हेलो एवरीवन, दिस इज अरियंत एंड वेलकम टू द डेली मार्केट एनालिसिस रिपोर्ट। बात करते हैं निफ्टी की। तो ओपनिंग वाज टोटली फ्लैट टुडे और उसके बाद में 17,742 का एक हाई बनाया मार्केट ने। एंड लो की अगर बात करें तो 17,585 के आसपास निफ्टी का लो था। तो अगेन यहाँ पे एक कंसोलिडेशन वाला ही मार्केट हमें देखने को मिला, जो कि हम काफी टाइम से डिस्कस भी कर रहे हैं कि मार्केट जो है एक अप ट्रेंड के बाद या एक डाउन ट्रेंड में कंटिन्यूअस मूव नहीं करता है, वहां पे हॉल्ट लेता है। वो कैसे हो सकता है? या तो प्रॉफिट बुकिंग आएगी या फिर कंसोलिडेशन हो सकता है। अगर कंसोलिडेशन चलता है तो एक चांस ये रहता है कि मार्केट उसी रेंज में कंटिन्यू वापस कर सकता है। चांस है, ऐसा नहीं कि कंटिन्यू करेगा ही। हो सकता है कि मार्केट उस रेंज को वापस ब्रेक करके अपनी बुलिश मोमेंटम को कंटिन्यू करे। अगर हम देखते हैं काफी सारे स्टॉक्स जो हम डिस्कस कर रहे थे, 17,900 के आसपास मार्केट था कि अभी ब्रेकआउट थोड़ा लग रहा है, बट फिर भी अवॉइड करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? देखो, मार्केट करेक्ट होगा तो बहुत सारे स्टॉक्स भी वहां से करेक्ट होंगे डेफिनेटली। अगर ब्रेकआउट वहां पे इतना स्ट्रांग नहीं है तो वापस हमें करेक्शन भी देखने को मिल सकती है। उस टाइम पे फंड फ्री रखना बहुत जरूरी है। एंड अगर आज अगर आप देखोगे तो काफी सारे स्टॉक्स, आपको वही स्टॉक्स एक अच्छे चीप प्राइस में मिल जाएंगे। और हो सकता है मार्केट में ऐसे ही कंसोलिडेशन चला या प्रॉफिट बुकिंग आई तो आपको और सस्ते रेट में वो मिल जाएंगे। तो पेशेंस रखना बहुत जरूरी है, एंट्री के लिए भी और एग्जिट के लिए भी, दोनों में ही ये बहुत जरूरी है। अब बहुत लोग क्या होते हैं कि जब मार्केट ऊपर जा रहा होता है तो इतने ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, वहां पे बाइंग करना स्टार्ट कर देते हैं, टोटल कैपिटल पार्क कर देते हैं अपना, कि जब थोड़ा सा भी गेन होता है उनको तो ये लगता है कि इस मार्केट से बढ़िया तो कोई चीज ही नहीं है, इसमें तो जहां पैसा लगा दो वहां से पैसा बन जाएगा, और वो वहां पे पार्क कर देते हैं। और जब ऐसी फॉल आती है, उनका पैसा जब अटक जाता है तो क्या रिएक्शन रहता है? बस एक बार ये फंड निकल जाए, उसके बाद ऐसी गलती नहीं करनी है। एक बार अगर ये फंड निकल जाता है तो हम छोड़ देंगे, फंड निकाल लेंगे अपना वापस और थोड़ी थोड़ी ट्रेडिंग करेंगे। ये रिपीट होता रहता है, ऐसा नहीं है कि अगली बार होने वाला है ये चीज, अगली बार भी सेम ही होगा। अगली बार हम निकालेंगे, फिर हाई जाएगा मार्केट, फिर हम, ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, फिर हमें लगेगा कि और ऊपर जा सकती है, हम फिर पार्क करेंगे, फिर मार्केट नीचे आएगा एंड फिर हमें गिल्ट फील होगा। तो स्मार्ट प्लेयर कौन से होते हैं? स्मार्ट प्लेयर वो होते हैं जो इस चीज को इंप्लीमेंट करते हैं और उसको फॉलो करते हैं। अगर आपने एक बार दो बार वहां पे स्टक हो गए हो, कोई दिक्कत नहीं है, इस मार्केट में सब स्टक होते हैं। इवन इफ यू नो 95 to 98% ऑफ पीपल लूज इन दिस मार्केट, ओनली 3 to 5% पीपल अर्न इन दिस मार्केट। तो सोचो कितना एक छोटा फिगर है जहां पे लोग यहाँ इस मार्केट से पैसा अर्न कर पा रहे हैं। सो इफ यू वॉन्ट टू बी पार्ट ऑफ दैट स्मॉल फिगर, आपको ये चीज इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी। जब आपको पता है कि मार्केट में करेक्शन आ सकती है और वहां पे अगर आप फंड पार्क कर रहे हो तो दिस माइट बी रिस्की। हो सकता है मार्केट करेक्ट हो तो आप फंस जाओ। अब मार्केट मान लो अगर 5 to 10% का करेक्शन आ जाता है तो आपकी कॉस्ट से स्टॉक्स आपके 10 to 20% की डाउनफॉल दिखा सकते हैं। उस केस में क्या होगा? अगर आप फंड फ्री रखते तो हो सकता है 1-2 महीने आप ट्रेडिंग नहीं करते, उसके बाद में आप पार्क करते, अच्छा गेन होता। बट मान लो आपने इन्वेस्ट कर दिया और इतनी बड़ी करेक्शन आ गई, उसके बाद क्या होगा? वापस से पूरी रिकवरी आएगी, उस टाइम तक आप कुछ नहीं कर सकते। रिकवरी के बाद में और 10 to 15% ऊपर जाएगा तब आपको गेन होगा। तो फंड फ्री रखना लॉस नहीं है, किस टाइम इन्वेस्ट करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कल मेरे को बहुत सारे मैसेजेस आए कि यहाँ पे हम स्टक हो गए हैं, अब मार्केट धीरे धीरे नीचे आ रही है, अब क्या करें। तो यही चीज अगर हम 5 दिन पहले, जब हमको लग रहा था कि मार्केट नीचे आ रही है, आ सकती है, चांसेस है, तो वहां फिर क्यों इन्वेस्ट करना? वहां पे आप उसी चीज में इन्वेस्ट करो जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन के पास में हो, ताकि बाई चांस अगर नीचे भी आए तो आपका रिस्क कम है। डिमांड जोन इतनी जल्दी नहीं टूटते हैं, अगर बाई चांस बड़ा डिमांड जोन टूटता है तो हमारा रिस्क कम है वहां पे, उस केस में हम लॉस बुक कर लेंगे। तो ये चीज इंप्लीमेंट करना बहुत जरूरी है। तो डिस्कस करते हैं फटाफट निफ्टी, बैंक निफ्टी के बारे में, क्या नेक्स्ट लेवल हो सकते हैं और स्टॉक्स क्या हमने डिस्कस किए थे उनमें क्या रिजल्ट रहा, एंड और कौन से स्टॉक्स है जहां पे हम इन्वेस्ट करके कुछ मोमेंटम वहां पे देखने को मिल सकता है।
तो यहाँ पे बात करते हैं निफ्टी की। कल जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे कि निफ्टी में यहाँ पे 17,900 का लेवल भी वापस देखने को मिल सकता है, बट अगेन यहाँ पे वापस से कंसोलिडेशन हमें उसी रेंज के आसपास देखने को मिला। यहाँ पे 17,585 के आसपास मार्केट ने वापस आज लो लगाया। जब तक ये इस सपोर्ट के आसपास है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, शॉर्ट टर्म के लिए मार्केट स्ट्रांग है, डिप आती है बाइंग कर सकते हैं, वापस ऊपर जा सकती है। ऊपर के लिए 17,900 का डोर ओपन है, बट अगर ये 17,550 को अब क्रॉस करती है तो यहाँ पे 17,350 का लेवल भी देखने को मिल सकता है ये वाला जोन, और इसको भी ब्रेक करता है तो फर्दर हमें डाउनसाइड देखने को मिल सकती है। वो हम उस टाइम डिस्कस करेंगे कितनी फॉल आ सकती है अगर ये ब्रेक होता है तो। नहीं ब्रेक होता है तो यहाँ पे 17,900 टू 17,950 18,000 एक मेजर रेजिस्टेंस है, उसको क्रॉस करेगा तो फर्दर 250 टू 300 पॉइंट की अपसाइड देखने को मिल सकती है। बैंक निफ्टी में भी कल हमने डिस्कस किया था कि इसी रेंज के आसपास कंसोलिडेशन चल रहा है, हो सकता है कि 37,000 यहाँ पे टेस्ट होते हुए हमको मिले, लेकिन अगर वो चांस मिलता है तो वहाँ पे हम बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं। ऑलरेडी मैंने आपके साथ में कौन कौन से स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो डिस्कस कर रखे हैं, सेम है, कोई चेंजेस नहीं है वहाँ पे। 38,000 को क्रॉस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, 38,000 के ऊपर सस्टेन जब तक मार्केट नहीं करेगा या तो इसी रेंज में बना रहेगा या फिर प्रॉफिट बुकिंग ही पॉसिबल है। 38,000 के ऊपर जाता है तो यहाँ पे अच्छी खासी बाइंग प्रेशर भी हमें देखने को मिल सकता है। ऊपर में 38,300 के आसपास मार्केट ने लास्ट टाइम जो हाई लगाया था वो एक रेजिस्टेंस का रोल प्ले कर सकती है, ठीक है। इसको भी क्रॉस करता है तो फर्दर ओवरऑल 38,000 के ऊपर क्लोजिंग करता है तो 1,000 टू 2,000 पॉइंट की अपसाइड आ जाती है, तो कोई यहाँ पे बड़ी बात नहीं। फिर अगर हम बात करते हैं आज भेल की, तो अगेन यहाँ पे थर्ड डे ऐसा रहा जहाँ पे हमें बाइंग प्रेशर देखने को मिला। 57 पे हमने यहाँ पे ऐड किया था और ये थर्ड कंटिन्यूअस डे है बाइंग प्रेशर यहाँ देखने को मिला, बट अगेन 65 के ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पाया जो कि एक रेजिस्टेंस जोन था। क्रॉस करता है तो फर्दर आने वाले दिनों में हमें 69-70 के आसपास का लेवल देखने को मिल सकता है, जो कि अगेन ये वाला लेवल जो होगा वो एक अगेन रेजिस्टेंस लेवल है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है यहाँ पे, तो इसको क्रॉस करता है तो ये लेवल पे आप एक बार प्रॉफिट बुक कर सकते हो। इवन मैंने यहाँ पे पार्शली 50% प्रॉफिट बुकिंग करी है। थोड़ी सी डिप आती है तो अगेन आई विल ऐड दिस स्टॉक, नहीं आती है तो ये 65 के ऊपर जाता है तो फिर हम वहाँ पे वापस ऐड कर लेंगे और इसको 70 के आसपास बुक करेंगे। गुजरात गैस की बात करते हैं तो अगेन यहाँ पे स्ट्रेंथ हमने 617-18 के आसपास डिस्कस किया था कि 606-609 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट बना रहा है, जब तक सस्टेन करता है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बाइंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। अब एक छोटा सा रेजिस्टेंस है यहाँ पे 640 के आसपास, ओवरऑल यहाँ पे अच्छा है, बाइंग प्रेशर देखने को मिला है, बट 640 को क्रॉस करना इंपॉर्टेंट है। अगर नहीं क्रॉस करता है तो वापस से एक बार 610-615 का लेवल हमें देखने को मिल सकता है, अदरवाइज इट्स गुड। 640 को भी अगर क्रॉस करके ऊपर जाता है तो फिर हमें जल्दी ही 680 टू 690 का लेवल भी देखने को मिल सकता है। और IGL भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था इस लेवल के आसपास, चैनल में भी पोस्ट किया था कि इस लेवल के आसपास अगर ये आए तो काफ़ी अच्छा है, एंड इसने चांस दिया और आज देखो एकदम से यहाँ पे अच्छी बाइंग देखने को मिली। 535 का हाई हमें यहाँ पे देखने को मिला, एंड अगेन LNTFS ने भी यहाँ पे अच्छी क्लोजिंग दी 90 के ऊपर। देखना ये है कि अब इसको सस्टेन करता है क्या, जब तक इसके ऊपर रहता है अच्छा है काफ़ी, आने वाले दिनों में ये 96-100 लेवल भी आता हुआ दिख सकता है। LNT की बात करें तो LNT में यहाँ पे अगेन ये सपोर्ट ब्रेक किया, हम 17-10-17-20 की बात कर रहे थे कि काफी अच्छा सपोर्ट है जो कि ब्रेक हुआ। अब नेक्स्ट सपोर्ट इसका 1680 के आसपास है और ये बहुत बड़ा सपोर्ट है। 1720-10 भी अच्छा सपोर्ट था, बट उससे भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 1680 के आसपास, 1680-1665। ये 15 पॉइंट का जो गैप है ये एक काफी अच्छा जोन है यहाँ पे, जहां से वापस से LNT बाउंस कर सकता है। ओवरऑल स्ट्रक्चर अभी भी काफी बुलिश है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने इन्वेस्ट किया है और पोजिशनल व्यू आपका अगर नहीं निकाला है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर डिप आती है थोड़ी और तो 1680-1665 इस रेंज में आप एवरेज भी कर सकते हो, ओवरऑल बुलिश है। लेकिन अगर वो रेंज ब्रेक होती है तो यहाँ पे काफी अच्छी सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट अगर हम स्टॉक की बात करते हैं दैट इज अपोलो हॉस्पिटल। अपोलो हॉस्पिटल एक अच्छे सपोर्ट लेवल के आसपास है, एक करेक्शन अच्छी खासी देखने को मिली। इसका सपोर्ट लेवल एक्चुअली है 4230-40 के आसपास, ये वाला लेवल, बट यहाँ इससे थोड़ा ऊपर ही हमें यहाँ पे बाइंग प्रेशर देखने को मिला।
तो हम ये मान के चल रहे हैं कि 4370 भी एक सपोर्ट लेवल है, और इसके नीचे आता है तो 4200 टू 4300 ये जो जोन है वो अच्छा स्ट्रांग सपोर्ट है इसके लिए। अगर यहाँ पे ही मार्केट कंसोलिडेट करता है तो विद दिस लेवल 4370 के आसपास से एक अच्छी वापस बाइंग प्रेशर देखने को मिल सकता है, जो कि 4670 तक देखने को मिल सकता है। ये जोन हो सकता है ये कुछ टाइम इस जोन में कंसोलिडेट भी करे, जब तक इस लेवल को क्रॉस नहीं करते हैं हम इस रेंज में बाय करके यहाँ के आसपास सेल भी कर सकते हैं। पेट्रोनेट एलएनजी की बात करें तो पेट्रोनेट एलएनजी काफी अच्छी अपसाइड यहाँ देखने को मिली। अब ये एक की सपोर्ट लेवल है, की रेजिस्टेंस लेवल है, यहाँ पे काफी क्रूशियल लेवल है 243-245 का। अगर पेट्रोनेट एलएनजी इस रेजिस्टेंस को क्रॉस करके ऊपर क्लोजिंग देता है तो काफी बुलिश हो जाएगा और एक अच्छी अपसाइड देखने को मिल सकती है स्टॉक में टुवर्ड्स द लेवल ऑफ 270। अदरवाइज इसी लेवल के नीचे से प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, अगर ये क्रॉस नहीं करता है लेवल को तो फर्दर हमें यहाँ पे डाउनफॉल देखने को मिल सकती है, दैट कैन बी टुवर्ड्स 220 लेवल, 230 टू 220 का लेवल यहाँ वापस देखने को मिल सकता है। तो इस लेवल एक क्रूशियल लेवल है, ये क्रॉस होता है तो यहाँ पे हम बाइंग फ्रेश इनिशिएट कर सकते हैं। प्लस ये वीकली रेजिस्टेंस भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग वीकली रेजिस्टेंस भी है यहाँ पे, तो ये वीकली क्लोजिंग भी अगर इसके ऊपर देता है तो स्टॉक जो है बहुत ज़्यादा बुलिश हो जाएगा, एंड एज मिड टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट यहाँ पे काफ़ी अच्छी अपसाइड हमें देखने को मिल सकती है। तो वीकली क्लोजिंग भी इसके ऊपर देता है तो कीप एन आई ऑन दिस। अगेन हम बात करें यूपीएल की तो यूपीएल का नेक्स्ट सपोर्ट है 670-680 के आसपास। अगर हम यूपीएल का लेवल देखें तो 665-680 ये काफी अच्छा डिमांड जोन है इसका, बट उससे पहले भी एक अच्छा सपोर्ट इसने स्मॉल सपोर्ट बना रहा है 700 के आसपास। तो हम क्या कर सकते हैं, 700 के आसपास कुछ स्टॉक्स बाय कर सकते हैं, और इसको भी ब्रेक करते हैं तो इस लेवल के अंदर हमको ये मिल जाएगा 665-680, वहां पे हम एवरेज आउट कर सकते हैं। ध्यान रहे कि इसके नीचे अगर जाता है तो शेयर वीक हो जाएगा, काफी अच्छी बुकिंग आ सकती है, अदरवाइज यहाँ पे कुछ अपसाइड हमें या तो यहाँ से या फिर इस डिमांड जोन से देखने को मिल सकता है। अगेन यहाँ पे आप खुद एनालिसिस कीजिए, कुछ भी शेयर बाय करते हैं तो सबसे पहले आप खुद एनालिसिस करिए, देखिए कुछ कंपनी जो है वो आपके फेवर में फेवरेबल है कि नहीं है, और सारे कुछ न्यूज़ वगैरह जो भी आपको देखना है पूरी आप 100% इसमें एनालिसिस करके फिर इन्वेस्ट करिए। ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि इस लेवल से ऊपर जा सकता है तो डेफिनेटली जाएगा, बिल्कुल यहाँ पे मैं टोटली रॉन्ग भी हो सकता हूँ। जैसे एलएनटी में भी हमने देखा कि हमने बोला था 720 से ऊपर चला जाएगा बट नहीं गया, वो लेवल ब्रेक करके नीचे आ गया, तो डेफिनेटली हम यहाँ गलत भी हो सकते हैं। मार्केट में जस्ट हम एनालिसिस करके यहाँ पे प्रिडिक्ट कर रहे हैं लेवल को, वो गलत भी हो सकता है सही भी हो सकता है, दोनों ही केसेस है। बट हाँ, हमें हमेशा कोशिश करनी है कि जो सही वाला है हमारे फेवर में मार्केट जाए उसका रेशियो काफी अच्छा बना रहे। लास्ट हम बात करते हैं आज बजाज फिनसर्व और बजाज फाइनेंस, दोनों ने ही निफ्टी को सपोर्ट किया, इन दोनों की वजह से निफ्टी यहाँ पे जो थी सस्टेन कर पाई। तो इस लेवल के आसपास अगर हम देखें बजाज फाइनेंस में, ये जो लेवल है ये एक अच्छा सपोर्ट जोन है, उतना स्ट्रांग नहीं है बट हाँ इतनी बड़ी रैली के बाद में इस रेंज में मार्केट ने कंसोलिडेशन किया तो 7300-7500 ये काफ़ी स्ट्रांग जोन बना हुआ है। इस जोन में जब भी मार्केट आ रहा है तो वापस से बाउंस बैक दिखा रहा है, देखो यहाँ पे भी हुआ, अगेन यहाँ से बाउंस बैक हुआ, अगेन यहाँ पे भी कोशिश कर रहा है। तो ये जोन में अगर मार्केट बजाज फाइनेंस आता है और इसको रिस्पेक्ट करता है तो आपको फर्दर यहाँ पे बाइंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। 7750 ये एक रेजिस्टेंस अब बन चुका है, एंड इसका जो हाई है 7960 के आसपास वो भी रेजिस्टेंस है। जब तक इसको क्रॉस नहीं करता आप क्या कर सकते हो, इस जोन के आसपास आए, इस लेवल के आसपास तो आप बाइंग करके थोड़ी बहुत अपसाइड में इस लेवल के आसपास आए तो आप सेल कर सकते हो। फर्दर इस लेवल को क्रॉस करता है तो ये अगेन बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू कर सकता है। एक शेयर कितना ऊपर जाएगा, क्या उसकी पॉसिबिलिटी है, कितना वो पोटेंशियल रखता है, किसी को भी नहीं पता। एक बुल रन में हम ये नहीं कह सकते कि इतना ऊपर आ गया तो और कितना ऊपर जाएगा, 7000 है, 17000 भी आ सकता है, ये शेयर कहीं पे भी जा सकता है। आपको कभी भी ये नहीं सोचना है कि यार ये शेयर 2000 से यहाँ आ गया अब क्या ही ऊपर जाएगा, इसको निकाल दो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है। हो सकता है कि 17000 भी चला जाए,
हो सकता है 7,000 से 5,000 भी आ जाए। तो स्टॉक को हम ऐसे नहीं सोच सकते कि कितना ऊपर जाएगा क्या ऊपर जाएगा, जैसा जैसा आपको एनालिसिस बता रहा है वैसे उसको फॉलो करो। इस लेवल को ब्रेक करता है तो नेक्स्ट सपोर्ट सीधा नीचे 6,500 के आसपास है। अब जैसा कि हम बोल रहे हैं कि मार्केट में बैक टू बैक नीचे सपोर्ट है, 17,350 सपोर्ट है, उसके नीचे 17,050 टू 16,950 ये की सपोर्ट लेवल है। यहाँ तक आए तो थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है, बट बाय चांस इसको ब्रेक करता है तो सीधा हमें 500 टू 800 पॉइंट का फर्दर डाउनफॉल भी देखने को मिल सकता है। तो उस केस में अगर मार्केट उस जोन में चला जाता है तो क्या होगा, फिर ये जो बड़े बड़े रैली आई थी मार्केट में, ये अगर सपोर्ट ब्रेक होते हैं तो वापस से हमें इनमें भी अच्छा खासा 10-20% का करेक्शन इजीली देखने को मिल सकता है। तो बी रेडी फॉर दैट, जैसे जैसे लेवल आपको देखने को मिलता है उसी को फॉलो करना है। ये नहीं सोचना कि ये मार्केट यहाँ पे है यहाँ से बाउंस हो जाएगा, आपको कभी भी माइंड गेम यहाँ पे नहीं खेलनी है विदाउट एनालिसिस के। एनालिसिस करके आप प्ले करो, लेकिन ऐसे माइंड में आ रहा है कि ये यहाँ से बाउंस होना चाहिए मेरे को ऐसा लग रहा है, तो इमेजिनेशन पे मार्केट नहीं वर्क करेगा, आपको यहाँ पे टोटल लॉस होने के चांसेस है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट एनालिसिस वीडियो में। अच्छी लगती है तो आप शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, कमेंट करिए कोई भी क्वेरी है आपको, एंड लाइक का बटन प्लीज़ हिट किए, उससे हमको मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।